हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 7:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे ससुर जी और सास जी ने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है। ब्रेकफास्ट में हम खाएंगे आज मक्के की रोटी, जिसको चीले भी बोलते हैं। तो इन दोनों ने यहाँ पे इसको निकाल दिया, इनके दाने को, और ससुर जी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने के लिए। आज हम ससुर जी के हाथ का नाश्ता करेंगे। तो चलो चलते हैं अंदर, कैसे बनते हैं ये पहाड़ी स्टाइल में। तो गाइस, यहाँ पे सास जी लाइट चला लहसुन, दो, अदरक और मिर्ची लाइट को चला दो। अच्छा, निकाल, मतलब साफ करके दे रही है ससुर जी को, क्योंकि वो पीस के डालेंगे। तो यहाँ पे ससुर जी चेक कर रहे हैं कि मिक्सर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बोले कि टाइट हो रखा है। दो बारी करके करेंगे, पहले बारी में डाल रहे हैं ससुर जी पीसने के लिए। हल्का सा इसमें पानी पड़ेगा, ग्राइंड करेंगे इसको। ये रख दिया इसका ग्राइंडर का ढक्कन हो रहा है गैस के ऊपर ही है। ढक्कन, इसको मैं ऐसे करूंगा, इसको ये हमारी खेत की मुंगरी है, और आधी से ज़्यादा तो हम बेच चुके हैं, आधी से ज़्यादा किसी और लोगों को भी बांट चुके हैं, और हम थोड़ा बहुत खाते हैं। और इसमें साथ जी डालेंगे मिर्च, मसाले डालेंगे अपने हिसाब से, इसको भी इसी में पीस लेंगे साथ में। तो फर्स्ट बार में जो गया था वो पीस चुका है, अब उसको एक बर्तन में खाली करेंगे। देखें कितना कैसा पेस्ट बनाया है चीला बनाने के लिए, कितना पतला कितना गाढ़ा पेस्ट बनता है चीला बनाने के लिए। तो देख सकते हैं इस टाइप का पेस्ट बना है। डाल दिया मैंने इसमें, और डालेंगे फिर हाँ हरी मिर्च, एकदम सब डाल दे। तो अब ये सेकंड टाइम पीसने जा रहा है, फिर इसके बाद बनेंगे चीले। और आज हम खाएंगे ससुर जी के हाथ का नाश्ता। तो मूंगी ये भी डालनी थी, मक्की बड़ी डाले नहीं, क्योंकि ये अभी पके हैं, कच्चे हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा निकालने में से ख़राब हो जा रहे थे, इसलिए नहीं डाले इसको। इसको उबाल के खाएंगे। और सास जी जा रही है दूध निकालने के लिए गाय का, और ससुर जी की का पेस्ट लगभग तैयार हो चुका है। तो ये बन चुका है पेस्ट, और ये रहा इसका रिजल्ट। ये इतना अच्छा बन चुका है, एकदम बारीक, और मैं तवा रखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे चूल्हा चेंज हो चुका है, इससे वहाँ पे जा, इस चूल्हे से उस चूल्हे में शिफ्ट हो चुके हैं, और
यहाँ पे तवे में तेल भी लगा दिया है, आप देखो कैसे बनता है ये चीला। एकदम गोल बना है और टूटा भी नहीं है और पीछे से अच्छे तरीके से सिक भी चुका है। तो एक चीला हमारा बन चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे दूसरे की बनाने की तैयारी चल रही है और दूसरा बनाएंगे अब। सारे चीले बन चुके हैं, अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और लास्ट के दो रह रखे हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इसको खा के मिलते हैं, बाय बाय।